नमस्कार दोस्तों, बाई स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफाई कर्मियों की भर्ती के बारे में, क्योंकि इस समय ये भर्ती सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। जयपुर में पहली बार दोस्तों जनसंख्या के आधार पर 12,400 पदों पर चयन होने वाला है। और दोस्तों बता दें कि पूरे राजस्थान में लगभग 30,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन दोस्तों जयपुर में अब 12,400 पदों पर ये भर्ती होगी। पहले दोस्तों ये बताया जा रहा था कि ये भर्ती लगभग 3778 पदों पर होनी थी जयपुर के अंदर, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में ये भर्ती जयपुर के अंदर 12,400 पदों पर होने वाली है। आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। सफाई कर्मियों की भर्ती 66% वाल्मीकि SC और 21% OBC वर्ग को मिलेगी तवज्जो। दोस्तों साक्षात्कार जो अंक हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जयपुर शहर में पहली बार दोस्तों इतने पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। सरकार दोस्तों करीब 12,400 लोगों पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है, जबकि पिछली विज्ञप्ति में कुल 30,000 दोस्तों पदों पर ये भर्ती होनी थी, जिसमें 3778 लोगों की दोस्तों जयपुर में भर्ती होनी थी, लेकिन अब ये 12,400 पदों पर हो रही है। दोस्तों राजधानी की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 9,000 पद बढ़ाए जा रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर। हालांकि नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये फाइनल दोस्तों निर्णय माना जाएगा, लेकिन एक दिन पहले वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के साथ ही अधिकारियों की बैठक पर दोस्तों चर्चा हो चुकी है, जिसमें वाल्मीकि और SC वर्ग को 66% की हिस्सेदारी दी जाएगी, जिसमें से दोस्तों 50% वाल्मीकि तथा हेला समाज के लोग शामिल होंगे। उसके बाद 16% SC वर्ग और 21% OBC वर्ग को हिस्सेदारी देने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये फाइनल नहीं हो पाया है। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी दोस्तों फाइनल निर्णय होना बाकी है। ये दोस्तों कल बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया था। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, और बहुत बड़े पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है। बता दें कि साल 2012 में राज्य सरकार के निर्देश पर सफाई कार्य का संपूर्ण अनुभव रखने वाले आवेदकों का ही चयन किया गया था। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपको दोस्तों इसका अनुभव नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुभव वाले ही बच्चे रखे जाएंगे। क्योंकि साल 2012 के अंदर जब भर्ती आई थी, उसमें भी दोस्तों अनुभव रखने वाले आवेदकों का ही दोस्तों चयन हुआ था। अब जो भर्ती होगी उसमें मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना दोस्तों जरूरी है, ये अति आवश्यक है। इसके अलावा चयनित कर्मचारियों का साक्षात्कार भी होगा, जिसके अंक निर्धारित किए जाएंगे। भर्ती के लिए वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, यानी कि आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। हालांकि दोस्तों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में छूट भी मिलने वाली है, जैसे कि दोस्तों SC OBC ST जो ये बच्चे हैं उनको भी दोस्तों छूट भी मिलेगी। इसलिए आप सभी दोस्तों अपना आवेदन जरूर भरें। और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, या दोस्तों आपके नाम में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी टाइम से टाइम मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।